नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। आज आपको बताने वाले हैं उप रजिस्टर, अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल सहायक प्रबंधक, बायोमेडिकल इंजीनियर एवं मैकेनिकल इंजीनियर ऑफिसर के रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए एमपी ऑनलाइन से आवेदन लिए जा रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसका पूरा नोटिफिकेशन के साथ आपको बता दें कि लास्ट तारीख कब है, आवेदन कब से शुरू होंगे, किस प्रकार से आवेदन भरना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, चलते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारी एवं अधिवक्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकित्सा विभाग में ये भर्ती निकली है मेडिकल कॉलेज में। मध्य प्रदेश चिकित्सा विभाग मंत्रालय भोपाल के विज्ञापन क्रमांक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा सेवा आदर्श के नियम के लिए भोपाल के पत्र क्रमांक के तहत अस्पताल प्रबंधक हेतु स्वीकृत नवीन पदों की अनुसूचित के आधार पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से संबंध चिकित्सालय में रिक्त पद कि कौन कौन से पद है। उप रजिस्टर अस्पताल प्रबंधक का पद है, अस्पताल सहायक प्रबंधक का है, बायोमेडिकल इंजीनियर एवं मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। उपरोक्त पद पर आवेदन का प्रारूप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 22/6/2023 है। परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम आपको क्या क्या है इसे हम देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि कब है, 23/5/2023 को इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26/22/2023 को इसका ऑनलाइन आवेदन बंद हो जाएंगे, लास्ट डेट है। आवेदन में कोई टूटे उसे सुधार करना है तो 20/6/2023 तक इसमें सुधार कर सकते हैं। आवेदन में टूटे तो सुधार की अंतिम तिथि क्या है, 24/6/2023। परीक्षा की संभावित तिथि यहां पर अभी नहीं दी गई है। प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि, प्रवेश पत्र तिथि सूचना आपको एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। परीक्षा का समय एवं स्थान अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर अंकित एवं समस्त सूचना नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के आधिकारिक वेबसाइट पर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप साइन देख सकते हैं अधिवक्ता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज जबलपुर। यहाँ पर अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए, यहाँ पर आपको सभी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों 10 पेज की पीडीएफ है। परीक्षा आयोजन में नियम निर्देश क्या है, चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंधित चिकित्साओं में अस्पताल प्रबंधक के रिक्त पदों की पूर्ति होती मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ये रिक्त पद जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उप रजिस्टर के टोटल 1 पद है, अस्पताल प्रबंधक के 2 पद हैं, अस्पताल सहायक प्रबंधक के 5 पद हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर के 4 पद है, कुल 12 पद हैं और एक मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के 2-2 पद हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनारक्षित है 1 पद, 2 पद, टोटल 8 पद अनारक्षित हैं। इसकी यहाँ पर उप रजिस्टर की पेमेंट 60,000 रहेगी, अस्पताल प्रबंधक की पेमेंट 60,000 रहेगी, अस्पताल सहायक प्रबंधक की पेमेंट 40,000 रहेगी और बायोमेडिकल इंजीनियर की पेमेंट 60,000 रहेगी। और यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की पेमेंट रहेगी 1,56,000 रुपये। नोट, पदों की संख्या नियमानुसार घटाई और बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। उप रजिस्टर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। शासकीय महाविद्यालय अथवा स्वास्थ्य निजी चिकित्सा महाविद्यालय में अकादमिक प्रबंधक का कार्य का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अस्पताल प्रबंधक में 21 वर्ष होना चाहिए और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। लगभग सभी में 1 से 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर आपको जरूरी है। उप रजिस्टर अस्पताल प्रबंधक के अस्पताल प्रबंधक सहायक पदों हेतु परीक्षा 1 प्रश्न पत्र द्वारा 1 ही तिथि को आयोजित की जाएगी। यदि आवेदक इन पदों हेतु 1 से अधिक पद के लिए आवेदन करता है तो आवेदक को उस परीक्षा का प्राप्तांक अन्य आवेदित पदों की मेरिट सूची में रखा जाएगा। एकमुश्त मासिक वेतन के पदों पर नियुक्ति अधिकारी को 2% वार्षिक वृद्धि के साथ CPI के मान में होने वाली वृद्धि के आधार पर वेतन में वृद्धि होगी। मतलब आपको 2% की हर साल वृद्धि होगी आपके वेतन में। यात्रा भत्ता, अभ्यर्थी को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया होगा। अगर आप परीक्षा इसमें देते हैं तो आपको कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है, अगर आप इसकी शिक्षण योग्यता रखते हैं तो इसमें जरूर से आवेदन करिएगा।
इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करिएगा। धन्यवाद।